हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर। तो फ्रेंड आज वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस में जो रिक्वायरमेंट आई है फ्रेंड, जो हायरिंग कर रही है एज अ रोल ऑफ टेक्निकल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। फ्रेंड इसमें जल्द से अप्लाई कीजिएगा, इसका लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो बात करते फ्रेंड आपका जो लोकेशन होने वाला है फ्रेंड, आपका पुणे का लोकेशन होने वाला है। और बात के लिए वर्क एक्सपीरियंस फ्रेंड 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि अगर आप कोई फाइनल ईयर में हो, पास आउट ग्रेजुएट हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। कौन अप्लाई कर सकते हैं देखेंगे, इसमें बीटेक यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। और आपका जो जॉब टाइटल होने वाला है वो आपका होने वाला है टेक्निकल प्रोसेस एक्जीक्यूटिव और सर्विस लाइन आपका बीपीओ सर्विस लाइन। इसमें आपको कोडिंग स्किल का जो कोई भी जरूरत नहीं, बस हाँ आपको क्या क्या आना चाहिए, लाइक जनरल सपोर्ट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, जनरल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन लाइक एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेल, लोटस नोट्स, नोट्स ईटीसी। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले आपको रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर इसमें अप्लाई करने से पहले इन्होंने जो भी अपना स्किल्स वगैरह मेंशन कर रखा होगा उसे आप लोग रेज्यूमे में जरूर अपडेट कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आपका होना चाहिए, टेक्निकल आईबीपीओ इंटरप्राइज सपोर्ट, ठीक है, ESS, EKIN, BPM टेक्नोलॉजी, L1, L2 फंक्शनल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी, IBPO सर्विस मैनेजमेंट और सिट्रिक्स मैनेजमेंट। फ्रेंड इस सारे के सारे यहाँ पर स्किल जो है अपना रेज्यूमे में अपडेट करने के जरूर ट्राई कीजिएगा अप्लाई। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो योर करंट रेज्यूमे में, तो यहाँ से अप्लाई आपको नहीं आने वाला है। तो ये सब चीज़ें को बातों में ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर देखेंगे, तो फिर आपका जो एक्टिव लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ आई ऑफ डिटेल्स टू डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ द इशूज लाइक क्विकली टू बिल्ड अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद अ कस्टमर, एक्सलेंट कंप्रेहेंसिव एंड आर्टिकुलेशन स्किल्स, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्बल एंड रिटन, ठीक है। अप्लाई करते फ्रेंड सिंपल आपको देखेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको पहले साइन इन या फिर रजिस्टर करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद सिंपल आपको ईमेल डालना है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पर आ जाते हो उसके बाद आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होता है, प्रीफर्ड आपका इंटरव्यू कहाँ से देना चाहते हो, आप एक सिटी के नाम पुणे या फिर बैंगलोर आपका जो भी होगा आप मेंशन कर दीजिएगा। कंपनी का नाम अगर नहीं है तो अदर्स कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस 0, ठीक है। यहाँ पर आपका स्किल्स आपका जो जो स्किल्स वहाँ पर एड कर दीजिएगा, आप रेज्यूमे अपलोड कर दीजिएगा, अपना फोन नंबर, ठीक है। डाउनलोड रेज्यूमे अगर आप ऐसे ये करते हो तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना रेज्यूमे जो अपलोड कर डाउनलोड कर सकते हो। RUX Info Session अगर आप लोग पहले भी जॉब कर चुके तो ये अदरवाइज यहाँ पर ऐसे रहना। फिर आप सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक करना, ठीक है। आप यहाँ पर माई इसके एप्लीकेशन पर जाकर अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो। अगर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हो तो अपने पिछले वाले एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दीजिएगा, उसके बाद इसमें आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सेव जॉब में आपने जितने भी जेब को सॉफ्ट जॉब को सेव करा होगा वो यहाँ इसमें दिखेगा और प्रोफाइल सेक्शन में आपको ये दिखेगा, ठीक है। और इसमें अप्लाई और इसमें अगर आपका ओपन करते ही अगर आपके सामने ओपन होता है कि ये नहीं, ये एक्टिव नहीं है, तो इसे फिर से पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, 2-3 बार रिफ्रेश कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा अगर आपके पास जॉब लिंक एक्सपायर्ड आता है तो, ठीक है। फिर 3 बार रिफ्रेश कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपको 0 रुपये। जय हिंद, जय भारत।